हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के निवेश वाली कंपनी लाने वाली है अपना आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सचिन तेंदुलकर के निवेश वाली कंपनी लाने वाली है 740 करोड़ रुपए का आईपीओ। एक बढ़िया सा आईपीओ आपके लिए फिर से ओपन होने जा रहा है, तो ये प्राइमरी मार्केट में बहुत जल्द दस्तक देने के लिए भी रेडी है। जी हाँ, क्या आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके लिए फिर से मौका है इस बढ़िया से आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट करने का। यह दोस्तों हम बात कर रहे हैं आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में, जो जल्द ही अपने आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने वाले है। क्या है आईपीओ और क्या है इसकी डिटेल, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। सर दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में, जिसका आईपीओ आपके लिए ओपन होने जा रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, कंपनी की डिटेल्स के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स जानेंगे कि क्या है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, ताकि आपको उसका प्रीमियम देख के भी आइडिया है कि मार्केट में इसकी डिमांड क्या है। उसके बाद हम आपको देंगे हमारा रिव्यू कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। सो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। चलो दोस्तों, बात करें अगर आजाद आईपीओ की डिटेल्स की, तो इसका आईपीओ जो है वो 20 दिसंबर से ओपन होने वाला है। 22 दिसंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ का साइज जो है वो 740 करोड़ रुपए का रहने वाला है, जिसमें 240 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू होने वाले है और 500 करोड़ रुपए का ओएफएस रहने वाला है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। इसका प्राइस बैंड जो है वो 499 से लेके 524 रुपए तय किया गया है। आईपीओ बीएससी एनएससी पर लिस्ट होगा। इसका रिटेल कोटे की मैं बात करूं तो 35%, क्यूआईबी के लिए 50% और एनआईआई के लिए 15% रिजर्व रखा है। इसकी लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 28 शेयर का इसका लॉट रहेगा और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा वो 14,672 रुपए करना पड़ेगा। वही इसकी अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर को आपको इसका अलॉटमेंट मिल सकता है और 28 दिसंबर को ये जो स्टॉक्स है वो बीएससी एमएससी में लिस्ट भी हो सकता है। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ की वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो इसका अर्निंग पर शेयर, जिसे हम ईपीएस के तरीके से जानते हैं, वो 1.79 पर इक्विटी शेयर है। इसका पीई रेशियो अगर हम देखें तो वो अभी अवेलेबल नहीं है और इसका रिटर्न अगर हम देखें नेटवर्थ तो 4.23% है। इसकी नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें, जिसे हम नेवी कहते हैं, वो 42.30 पर इक्विटी शेयर है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अगर हम नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रिवेन्यू 125 करोड़ रुपए था, वही इसका प्रॉफिट जो था वो 11.50 करोड़ रुपए था। वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका रिवेन्यू 199 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट जो था वो 29.46 करोड़ रुपए था। और वही 2023 के अंदर इसका रिवेन्यू 262 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट जो है वो 8.47 करोड़ रुपए था। इसके प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं तो राकेश चौपदार इसके प्रमोटर्स हैं। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ के रजिस्ट्रार के तौर पर कैफिन टेक्नोलॉजीज को तय किया गया है, यानी कि आप आपका अलॉटमेंट जो है वो कैफिन टेक्नोलॉजीज की ऑफिशियल साइट पे जाके देख कर सकते हो। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ के लीड मैनेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड और आनंद राठी एडवाइजर लिमिटेड को यहाँ पे तय किया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट के ऊपर। तो बाजार नियामकों के मुताबिक और बाजार में चल रही हलचल के मुताबिक ये आईपीओ ग्रे मार्केट में 440 रुपए के प्रीमियम पर चल रहा है। यानी अभी आजाद इंजीनियरिंग के शेयर जो है वो 83% पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर यही प्रीमियम चलता रहा तो आगे जाके आईपीओ आपको 83% का मुनाफा दे सकता है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, परंतु आपकी सहूलियत के लिए हमने इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वहां पे जाके आप इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं। दाखिल किए गए ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार नए शेयरों को जारी कर प्राप्त हुई धनराशि का इस्तेमाल कंपनी जो है वो अपनी पूंजीगत व्यय, कर्ज का भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए कर सकती है। आजाद इंजीनियरिंग में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी पैसा लगा हुआ है
उन्होंने मई 2023 में कंपनी में निवेश कर एक छोटी सी हिस्सेदारी भी ली थी। जी हाँ, ये कंपनी सभी से ज्यादा पॉपुलर है। सो दोस्तों, ये सारी जुड़ी हुई बातें थी कंपनी के आईपीओ से। कंपनी की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आजाद इंजीनियरिंग टर्बाइन्स एंड एरोस्पेस पार्ट्स की वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसर्स है। यह एरोस्पेस एंड डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई करती है। कंपनी के ग्राहकों में जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, सीमेंस एनर्जी, ईटन एरोस्पेस और मैन एनर्जी सॉल्यूशंस ईएसएस जैसी कंपनियां भी शामिल है। कंपनी की भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में 4 विनिर्माण सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, कंपनी काफी बढ़िया है और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज क्रिकेटर के पैसे भी इस कंपनी में इन्वेस्ट है और ये कंपनी आपके लिए एक बढ़िया से आईपीओ के रूप में आने वाली है और आपके लिए ये फायदे का सौदा भी साबित हो सकती है। अब रिव्यू की बात करें तो जैसा कि आप सबने देखा कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बढ़िया है और मार्केट में इस आईपीओ को लेके ग्रे मार्केट में भी काफी बढ़िया डिमांड है। तो एज पर अवर रिव्यू, आपको इस आईपीओ में जरूर से अप्लाई करना चाहिए, माइट भी आपके लिए फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर बार हमारे वीडियो में आपको बताते हैं कि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतने ही बढ़िया वेल्थ आपकी भी क्रिएट होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट आईपीओ में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।